खबर लाल कुआं से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटन में लॉटरी प्रक्रिया के विरोध में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने हंगामा किया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री भाजयुमो मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मल सहित कई नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद आवास आवंटन के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मल ने लॉटरी प्रक्रिया में धांधली और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि आवास आवंटन प्रक्रिया में सक्षम परिवार को आवास आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि वास्तविक दिव्यांग और गरीबों को आवास आवंटन की सुविधा नहीं मिल सकी। इस दौरान कार्यक्रम में नगर पंचायत के निर्वाचित सभी सभासद नदारद रहे, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक के आग्रह पर 7 सभासदों में से मात्र 3 सभासद ही कार्यक्रम में पहुंचे। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। मैं उस कार्यक्रम में इसलिए नहीं गया कि एक तो वहाँ मेरे को पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही थी, जिस तरह की बातें सुनने में आ रही थी, और वही बातें निकली थी, क्योंकि युवा मोर्चा के जिम्मेवार कार्यकर्ता ने, अध्यक्ष ने इतना हंगामा वहाँ किया है, तो कहीं ना कहीं तो त्रुटियाँ रही होगी। मुझे तो ऐसी लग रहा है कि उनको ही दिया जा रहा है जिनके पास सब कुछ है, उनको नहीं दिया जा रहा जिनके पास है ही नहीं। व्यक्ति हैं जिनको मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, पर पता है उनके पास अच्छी खासी संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने कमा लिया है। कई लोग हैं, मैं नाम